शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 1 अप्रैल से शुरू की जानी है सिटी बस सेवा। इसी के लिए आज जज्जी बस स्टैंड स्थित गुमटियों को हटाया गया। आज दोपहर हंगामेदार रही जब एक और नगर पालिका की टीम दुकानें को हटवा रही थी, वहीं दुकानदार इस बात से आक्रोशित थे कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया। जब इस बारे में नगर पालिका कर्मी से बात करना चाहिए तो उनका कहना था कि ये जमीन नगर पालिका की है और इसको खाली कराने के लिए किसी को नोटिस नहीं दिया जाता। वहीं दुकानदारों की माने तो उन्हें बिल्कुल भी दुकानें हटाने का समय नहीं दिया गया। बाद में ताबड़तोड़ उनकी दुकानें तोड़ना शुरू कर दी गयी। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह अतिक्रमण हटाया गया वहाँ पर सिटी बस की बुकिंग ऑफिस बनना है, जिसके लिए बिल्डिंग तैयार होना है। इसी कारण आज नगर पालिका के कर्मचारियों ने यहां से अतिक्रमण हटाया। वहीं समस्या पर है कि गरीब दुकानदार जो रोज कुआं खोदकर पानी निकालते हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा समय तो दिया जाना चाहिए था ताकि वह अपना सामान और अपनी दुकानें हटा सकें। चालू होना है उसका टर्मिनल बना रहे हैं ना, कंट्रोल कमांड सेंटर बना रहे हैं। और ये नगर पालिका की भूमि है, इनके 5-6 बार बोल चुके खाली करने के लिए, आज इन्होंने खाली नहीं की तो हमने द्वारा इनको हटाया गया है। सर उनका कहना है कि कोई नोटिस है, कोई जानकारी नहीं की हुई है, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, ये हमारी जमीन है। और ये अतिक्रमण की जगह तो इनको कोई सूचना भी तो दी सकते हैं? बहुत सूचना दे रहे हैं, 5 डेली आ रहे हैं हम लोग कहने के लिए। नहीं नहीं हमें पूरी लाइन हमें।